हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे जुकनी कोफ्ता, एकदम मार्केट स्टाइल जुकनी कोफ्ता जो आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक जुकनी ली है, ये काफ़ी बड़ी जुकनी है तो मैं इसका आधा ही यूज़ करूँगी खाली। मैं इसको काट लेती हूँ बीच में से। हम ये वाला हिस्सा यूज़ करेंगे। अब मैं इसको पिलर से छील लेती हूँ। अब हम इसको, जो ये हमारे पास कद्दूकस है, इसमें कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, ये मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च, मेरी जो लाल मिर्च है वो थोड़ी कम स्पाइसी है इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी तीखी होगी तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच नमक लिया है। इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ मैंने 1 सर्विंग स्पून से थोड़ा ज़्यादा बेसन लिया है। हमें इसको बाइंड करना है। हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो जुकनी है उसमें अपना ही मॉइस्चर होता है तो वो उसी में हो जाएगा। हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा जुकनी मिक्स रेडी है। तो चलिए अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। कढ़ाई में तेल गरम होने रखा था जो कि गरम हो गया है। अब हम इसमें छोटे छोटे कोफ्ते पकौड़ों के साइज़ के तेल में डाल देंगे। जो कोफ्ते हैं हम उन्हें डीप फ्राई करते हैं। हमें इन्हें तब तक टच नहीं करना है जब तक ये खुद ऊपर ना आ जाएं। उसके बाद हम इनको पलट देंगे जब हमें लगे कि ये नीचे से सिक गए हैं और डार्क ब्राउन हो गए हैं। आप ये काम हाथ बचा कर करें, अदरवाइज़ आप इसको स्पून से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारे जो कोफ्ते हैं वो एक तरफ से डार्क हो गए हैं। अब हम इनको पलट देंगे। आप ये कोफ्तों का साइज़ खुद डिसाइड कर सकते हैं। आपको गोल बनाना है, पकौड़ों का साइज़ बनाना है, जैसे चाहे आप बना सकते हैं इसे। हमारे कोफ्ते रेडी हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि ये दोनों तरफ से डार्क ब्राउन हो गए हैं तो वो अच्छी तरह सिक चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 से 4 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लहसुन की कलियां और 1 मीडियम साइज़ का प्याज। अब हम इसको पिंक होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने इसमें एक हरी इलायची ली है। आपके पास इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो वो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ 2 टमाटर छोटा छोटा काट के ले लिया है। मैंने यहाँ 4 टेबलस्पून पीनट ऐड किए हैं, आप इसकी जगह काजू भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने आधा ग्लास पानी ऐड किया है। हम इसको अच्छे से मैश करेंगे क्योंकि हमें इसे ग्राइंड करना है तो ये अच्छे से कुक होना चाहिए। अब हम इसे एक जार में निकाल लेंगे और ग्राइंड करेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तकरीबन 1 सर्विंग स्पून ऑयल लिया है, 2 तेज़पत्ता लिए हैं और वही पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो हमने मिक्स ग्राइंड किया था। और उसी जार में मैंने तकरीबन आधा ग्लास पानी घुमाकर ले लिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है मैंने इसमें, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। अब इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक के 5 मिनट पकाएंगे। ये देखिए, हमारी जो ग्रेवी है वो बॉईल हो रही है। अब हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप एंड में इसमें धनिया पत्ता यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमने कोफ्ते बना कर रखे थे हम वो ग्रेवी में ऐड कर देंगे।
अब हमें इसको थिक होने तक पकाना है। ये देखिए ठीक हो गई है हमारी ग्रेवी। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने घर का ही बनाया हुआ क्रीम यूज़ किया है। आप चाहें क्रीम से, धनिया पत्ता से इसकी जो गार्निशिंग है वो कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।